और देखिए मंच से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बिरला ऑडिटोरियम में नवगठित जिलों के शिलापट्टी का उद्घाटन का ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके साथ ही मंत्री विजयलाल जाटव यहां पर मौजूद हैं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहां पर मौजूद है, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार के मंत्री यहां पर हैं, इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और बहुत खास मौजूदगी जो है वो है तमाम धर्म गुरुओं के। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है और अब देखें तमाम जो धर्म गुरु यहां पर पहुंचे हैं उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है पौधा भेंट करके और इसके साथ ही माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। बिरला ऑडिटोरियम जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। आज का दिन बेहद खास, बेहद ऐतिहासिक ये दिन है राजस्थान वासियों के लिए, क्योंकि आज राजस्थान 50 जिलों का हो गया है। जहां पर पहले 33 जिले थे अब 50 जिले हो चुके हैं, जहां पर 7 संभाग थे वो संभाग बढ़कर अब 10 संभाग हो चुके हैं। तो आज विधिवत रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये जो नए 19 जिले हैं वो प्रदेशवासियों को सौंप रहे हैं, उसका वर्चुअली उद्घाटन शिलापट्टी का उनका मुख्यमंत्री यहां से करेंगे। कुछ ही देर का और इंतजार और कौन कौन से वो 19 नए जिले हैं वो भी मैं आपको दिखा रहे हैं। डीडवारा, डी कुचामन सिटी, इसके साथ ही और भी तमाम अहम जो जिले जिनकी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दी गई है। जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर अब 4 भागों में जो है यहां पर बटी है, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, इसके साथ ही कोटपूतली और दूदू। तो ऐसे में आप जरा समझिए कि किस तरीके से पूरा विस्तार होगा प्रदेश का। जब छोटे ग्रुप्स में जब काम होता है तो फिर और ज्यादा टीम जो है वो पावरफुल हो जाती है, तो ऐसे में और ज्यादा विकास होगा प्रदेश का। और उससे पहले मन से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार धर्मगुरुओं का स्वागत सम्मान किया जा रहा है और कुछ ही देर में अब जो नए जिले के कलेक्टर्स हैं वो यहां पर जो अधिसूचना है उसका पाठन करेंगे और फिर उसके बाद मंत्री विजयलाल जाटव का संबोधन होना है और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो खास तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी जब जो धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से भी आशीर्वचन दिया जाएगा। तो तमाम धर्मों के जो गुरु हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे बात हो सनातन धर्म के धर्मगुरु के पंडित की और इसके साथ ही जैन समाज के जो धर्मगुरु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मुनि पहुँचे हुए हैं, मुस्लिम धर्म के जो गुरु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इसके साथ ही सिख धर्म के धर्मगुरु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो तमाम धर्म यहाँ पर धर्मगुरु पहुँचे हैं, आशीर्वचन वो दे रही हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सालों की ये हमारी जो परंपरा है वर्षों की कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ, हवन पूजन के साथ और अपने धर्मगुरुओं को आशीर्वाद लेने के साथ वो शुभ कार्य शुरू किया जाता है, ताकि वो शुभ कार्य जो हम शुरू कर रहे हैं वो अंजाम तक पहुंचे पूरी सफलता के साथ। तो इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से आज का ये विधिवत जो कार्यक्रम रखा गया है, आज से जो 19 नए जिले हैं वो अपने अस्तित्व में आ रहे हैं, पूरा स्वरूप उन्हें मिलेगा। आज से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कार्यालय हैं प्रशासनिक, उनका कार्यकाल जो है वो शुरू हो जाएगा कामकाज वहां पर। और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी सूत की माला पहनाकर और पौधा भेंट करके स्वागत किया गया है। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बटन दबाकर शिलापट्टी का उद्घाटन करेंगे और उसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ और कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित भी यहां पर पहुंचे हैं। तो देखिए सरकार के मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पूरा प्रशासनिक अमला भी यहां पर मौजूद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी तमाम जिले जुड़े हैं। इससे पहले भी तमाम जिलों से जो तस्वीरें सामने आई, जहां पर भी विधिवत तरीके से जिलों का उद्घाटन किया गया, भरतपुर से तस्वीरें सामने आई, जोधपुर से तस्वीरें हमने आपको दिखाई और भी कई जगहों से तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और वहां से पूरे हवन पूजन के साथ वहां के जो प्रभारी मंत्री थे उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद अब ये तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर से, जहां पर तमाम जो सरकार के प्रभारी मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं वो मंच पर पदस्थापित हैं और इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, पूरा अमला यहां पर मौजूद है, चाहे बात हो
जयपुर के नए नवेले पुलिस कमिश्नर के विजय जोसेफ और इसके अलावा कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, नए जिले में पूरी तरीके से पूरे भारतीय संस्कृति के साथ विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन और हवन पूजन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आहुति दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिसूचना का पठन जो है किया जाएगा कलेक्टर्स की तरफ से। अब उससे पहले स्वागत सत्कार का जो सिलसिला है वहां पर चल रहा है, मंच पर तमाम जो पदाधिकारी मौजूद हैं उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। पौधा भेंट करके प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है और इसके अलावा जो कांग्रेस की परंपरा है सूत की माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया जा रहा है और कुछ ही देर का और इंतजार और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बटन दबाकर जो तमाम नए जिले हैं 19 उनका उनकी शिला पट्टिकाओं का उद्घाटन करेंगे। और उससे पहले ये बेहद खास तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और बहुत शुभ ये अवसर है प्रदेशवासियों के लिए क्योंकि आज राजस्थान हमारा जो पूरा प्रदेश है वो 50 जिलों का हो जाएगा। 50 जिले जिसमें 10 संभाग यहां पर है जिसमें से 3 संभाग जो है वो नए ऐड किए गए हैं, तो अपने आप में एक बेहतर सुचारू व्यवस्था इन जिलों में देखने को मिलेगी और ऐसे में और ज्यादा प्रगति के साथ राजस्थान विकास करता नजर आएगा और ज्यादा रफ्तार के साथ प्रगति राजस्थान में होती नजर आएगी, डेवलपमेंट्स जो है वो और ज्यादा गति पकड़ेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों की घोषणा की थी और आज जो नए जिले हैं वो अपने अस्तित्व में आ रहे हैं, अपने पूरे स्वरूप में आएंगे। आज से तमाम जो नए जिले हैं उनके कार्यालयों में कामकाज शुरू हो जाएगा विधिवत रूप से। ऐसे में जो प्रदेशवासी हैं और जिन लोगों को नए जिलों की सौगात मिली है उनके लिए बेहद ये खास मौका है क्योंकि अब उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना होगा अपने मुख्यालय तक जाने के लिए और वहाँ पर जो भी उनके काम, हर एक छोटे काम के लिए उन्हें अपने मुख्यालय तक जाना पड़ता था काफ़ी लंबा सफ़र तय करते हुए, तो ऐसे में अब उन्हें बहुत आसानी से जो है उनका मुख्यालय अपने ही पास पर मिल जाएगा। अपने जो अधिकारी हैं कोई भी जो भी समस्या है वो लेकर तुरंत अपने अधिकारी के पास पहुँच सकते हैं, उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा। और डेवलपमेंट की बात की जाए तो और ज्यादा तेजी के साथ जो अधिकारी हैं वो डेवलपमेंट कर पाएंगे उन क्षेत्रों का क्योंकि हर एक छोटे सर्कल पर अगर अधिकारी जो है वो लगाए जाते हैं तो ऐसे में और बेहतर सुचारू रूप से वहां की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। नवगठित जिलों का आज जो स्वरूप है वो मिलने जा रहा है, अस्तित्व में आज नए जिले आ रहे हैं 19 ये नए जिले हैं, ब्यावर, दूदू, इसके साथ ही जयपुर की राजधानी की बात की जाए 4 अब जिले जयपुर में होंगे, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, इसके साथ ही कोटपूतली और दूदू। इसके अलावा भरतपुर को डी की सौगात मिली है और बात की जाए यहाँ पर नागौर की तो नागौर को इसके साथ ही डीडवाना की सौगात मिली है, डीडवाना, कुचामन सिटी, 2 नए जिले जो हैं वो नागौर को मिले हैं। इसके साथ ही जयपुर में दूदू जिसको लेकर काफी हद तक विवाद भी हुआ था और उसके बाद जो है प्रभार यहां पर सौंपा गया था राजस्व मंत्री को, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे जो पूरा जो विवाद चल रहा था उसे बातचीत करते हुए उस पूरे मामले को सुलटाया और फिर उसके बाद ये अहम निर्णय लिया गया। तो ऐसे में जयपुर जो राजधानी है वो अब 4 भागों में, यहाँ पर पूरे राजधानी की जिम्मेदारी जो है वो 4 भागों में देखी जाएगी और ज्यादा बेहतर मॉनिटरिंग हो पाएगी। इसके अलावा कई और जिले ऐसे हैं नए जिनकी सौगात मिली है प्रदेशवासियों को, कोटपूतली, बहरोड की नई सौगात, ये जो चौथा पार्ट हम बात कर रहे हैं राजधानी जयपुर का वो ये है। इसके अलावा गंगापुर सिटी और गंगापुर सिटी के साथ ही जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर को भी 2 भागों में यहाँ पर जिम्मेदारी मिल रही है, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण पुनर्गठन किया गया है और इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा खैरथल जो कि नए जिलों में शामिल हुआ है, तो 19 नए जिले ऐसे हैं। निमका थाना जिसको लेकर भी लंबे समय से मांग चल रही थी, निमका थाना जिले की भी यहाँ पर सौगात मिली है, फलौदी, सलूम्बर जो कि नया जिला बना है, तो 19 कुल मिलाकर नए जिले बने हैं। जालौर में भी साचौर को नए जिले की सौगात मिली है, शाहपुरा,
तो तमाम इन नए जिलों में अब आज से जो कार्यकाल है वो शुरू हो जाएगा। कामकाज पूरी तरीके से जो अधिकारी हैं वो यहां पर शुरू कर देंगे। बहुत खास ये मौका प्रदेशवासियों के लिए, राज्य के लिए, राजस्थान के लिए, क्योंकि जो नक्शा है वो भी आप जरा देखिए। अब तक 33 जिलों का ये नक्शा हम देखते थे, अब पूरे नक्शे में 19 जिले और शामिल हो गए हैं। तो राजस्थान का नक्शा जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है और जो डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही थी पिछले कुछ सालों में, जो डेवलपमेंट प्रदेश में देखने को मिला है वो डेवलपमेंट और ज्यादा दुगनी रफ्तार से अब होता नजर आएगा। आपको बता दें कि जो कलेक्टर्स हैं वो अभी अधिसूचना पठन करने के साथ ही जो नए जिले हैं वो अस्तित्व में आ जाएंगे। उसके बाद जो प्रभारी मंत्री हैं उनका उद्बोधन होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संबोधित करेंगे। और आज का जो मुख्यमंत्री का संबोधन होगा वो अपने आप में बहुत खास होगा, बहुत बड़ा दिन है जो, और इसके साथ ही जो बहुत खास और बड़ा फैसला और ये जो ऐलान है राज्य सरकार की तरफ से किया गया, जो घोषणा है राज्य सरकार की तरफ से की गई, जो 19 जिलों की सौगातें प्रदेशवासियों को दी गई हैं, तो ऐसे में आज का दिन बहुत खास होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से क्या संबोधन दिया जाता है, क्या संदेश वो प्रदेशवासियों को देते हैं, वो बहुत खास तस्वीर होगी जो कि कुछ ही देर बाद हमें देखने को मिलेगी। बिरला ऑडिटोरियम में ये खास आयोजन आज हो रहा है। उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हवन पूजन करते हुए नजर आए, तमाम धर्मगुरु यहां पर मौजूद थे, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद के साथ इन नए जिलों की सौगात सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को दी गई है। मंत्री महोदय, साथी मंत्री भाई प्रताप सिंह जी, खतरियावास साहब, हमारे बीसी के माध्यम से जुड़े हुए हमारे समस्त मंत्रीगण, साथ ही हमारे विधायक साथी भाई अभिक साहब, काकी साहब, गंगाबेन जी, गोपाल जी, और भी सभी बीसी के माध्यम से जुड़े हुए हमारे विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे प्रशासनिक कई की मुखिया चीफ सेक्रेटरी आदरणीय ईश्वर शर्मा जी, हमारे जिला बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय रामनगर सर, राजस्व सचिव अर्पणा जी, विधायक आलोक जी और भी सभी अधिकारीगण, जिला कलेक्टर साहब, सभी धर्मगुरु के संत महात्माओं सभी को मेरा चरणों में प्रणाम नमन, सभी कार्यकर्तागण, सरपंच, वर्तमान, भूतपूर्व, मीडिया के साथीगण, मेरे से पहले अधिसूचना का पठन हुआ, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की कामना करूँगा कि ऐसा शानदार तरीके से आपने इतिहास तो लिखते हैं कई मान लो, लेकिन भूगोल बदलने वाले कम लोग ही होते हैं। आपने राजस्थान का भूगोल बदला, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करूँगा। राजनीति में ऐसे महापुरुष जिंदा रहना चाहिए जो आम लोगों की चौमुखी विकास की सोच रखते हो, लंबा विजन रखें, सीधा लोगों को लगे कि वास्तव में अब हमारे घर की समस्या मिटाने का काम जो अशोक गहलोत जी ने इन 4.5 साल में किया। मैं भी इतनी बार विधायक रहा हूँ, डेली कोऑपरेटिव बिल्डिंग का चेयरमैन रहा हूँ, पुलिस में कॉन्स्टेबल भी रहा, आर्मी में भी कॉन्स्टेबल रहा, तमाम जगह किसान परिवार से गांव में खेती करते हुए आया। ऐसे चौमुखी विकास की सोच रखने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो काम किया, वास्तव में कई लोग फिर भी विरोध विपक्ष में या लोकतंत्र में रहते हुए करते हैं, लेकिन एक समझने की आवश्यकता है। आज तमाम उन जिलों की जो बसों से मांग आई, उन धर्मगुरुओं के समक्ष हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन जिलों का आज से ही अधिसूचित होकर नया काम जो शुरू हुआ, इससे सीधा फायदा किस तरह होगा, ये एक समझने की बात है आम लोगों को। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा जिला छोटा बन गया, कोई कहता हमारा जिला बड़ा हो गया, कोई कहता मेरी सीमा में इधर गांव नहीं आया, मेरी इधर नहीं आया, लेकिन आप एक बात पे विचार करो कि इन 4.5 साल में प्रशासनिक इकाइयों का जो विकेंद्रीकरण हुआ, जिस तरह सुलभ न्याय मिले, और किस तरह मुकदमे विधानसभा में ट्यूशन लगते हैं,
5-5 लाख मुकदमे रेवेन्यू कोर्टों में, राजस्व विभाग में एसडीएम तेजना जी, आरडब्ल्यू एडीएम कलेक्टर कमिश्नर के वहां पेंडिंग है। कितने लोग तकलीफ आ रहे हैं इस बात पर कोई नहीं सोचता। सीधा फायदा इन जिलों का जो आम लोगों को होगा, आप कभी भूतों में कभी सकते। ये धर्मगुरु के सामने श्रावण मास चल रहा है, आप लोग विचार करिए। आज पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग देखते हैं कि वास्तव में इन 4.5 साल में 1500 के लगभग तो नए राजस्व गांव का नव निर्माण हुआ, जिसको भारत सरकार ने मान की राजस्थान सरकार ने। सीधी भाषा में कहे जीवने के लिए जाते हैं तो चिट्ठी समाज की चलती, लेकिन राज की चिट्ठी नहीं चलती। राज की चिट्ठी देने का 1500 गाँव में पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया, एक बहुत बड़ा काम किया। कई सरकारें आई बोर्ड से, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह का विकेंद्रीकरण का नहीं सोचा। इसी तरह हमारी 125 उप तहसील खोल दी मुख्यमंत्री जी ने, इसी तरह हमारे 85 नई तहसील खोल दी, इसी तरह हमारे 35 नए एसडीएम कार्यालय खोल दिए, इसी तरह 13 हमारे एडीएम कार्यालय खोल दिए, इसी तरीके से हमारे आज 19 नए जिले बने। ये सीधा सीधा लाभ आम जनता को होगा, प्रशासनिक अधिकारी सीधे गांव तक पहुंचेंगे, टाइम दे पाएंगे। आज कई लोग राज करने के लिए धार्मिक भावनाएं भड़कते हैं, कई लोग राज करने के लिए लोगों को लड़ाते हैं, लेकिन इस तरह की सोच रखने का काम अशोक गहलोत जी ने किया कि 2020-30 में राजस्थान किस तरह का हो, और उसके लिए महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज जो सपना है वो अशोक गहलोत जी ने साकार किया। आज धर्म के सामने मोदी जी, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि ऐसे स्वर्णिम अवसर पर मुझे भी राजस्व मंत्री का विभाग दिया, जो इस इतिहास के पन्नों में लिखने वाली चीज में मेरा भी नाम आपने जो कायम किया इन नए जिलों में, बहुत बहुत मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। आज बुजुर्ग भविष्य की कामना करूंगा। और सबसे बड़ी बात, कई बार राजस्व मंत्री के नाते ज्ञापन भी आते हैं, हमारे विधायक भी कहते हैं, सरपंचगण भी कहते हैं, कई मीडिया टीवी के माध्यम से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं लोग, आते हैं उनको समझने की बात। ऑप्शन खुला रखा गया, 6 महीने टाइम बढ़ा दिया, नए जिले भी बढ़ेंगे, नए संभाग भी बढ़े। आज छोटे जिले हरियाणा में है, आज भी महेंद्रगढ़ जिला है और उसके ऑफिस सारे नॉर्थ रोड में, गुजरात के अंदर आज भी बनासकांठा और साबरकांठा उसके ऑफिस दूसरी जगह है, जिले वहां है, ऐसे कई जिले हैं। अरे आपने एक्सपर्ट के तौर पर अमन विभाग जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने उनकी कमेटी का टाइम बढ़ाया, वो और लोगों की सुनेंगे, और लोगों की सुनकर और नए जिले का ऑप्शन जो खुला रखा कि आने वाले समय में जनता के लिए सुलभ न्याय के लिए आप और जिलों का गठन करने का जो निर्णय खुला रखा, एक बहुत अच्छा काम रखा, बहुत ही अच्छा काम। मैं मीडिया के माध्यम से भी तमाम हमारे भाई जो कोई ज्ञापन दे रहे, कोई धरने दे रहे, उनको भी मैं निवेदन करूंगा आप रामलुभाई जी कमेटी में रखें, और जो मौका होगा उसमें निश्चित रूप से आप मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि राजस्थान किस तरह हो, हर घर में न्याय हो, हर घर में खुशहाली आए, उसके लिए आप इनका सहयोग करें राजनीति में। निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठकर उन लोगों का आह्वान करूंगा जो कई बार व्हाट्सएप यूनिटी से भड़काने का काम करते हैं, कई बार ऐसी चीजें डालने का काम करते हैं, 13 जिला तो इधर चला गया, अब 13 का कौन पूछने वाला, कोई जिला कहीं नहीं गया और सीमाएं छोटी हुई। अगर और खुला ऑप्शन है, कोई ग्राम पंचायत चाहती मुझे इधर नहीं रहना मेरे उधर रहना, आप लिख के दें, आपकी ग्राम सभा का निर्णय एसडीएम तहसीलदार कलेक्टर के माध्यम से भेजे, रामलुभाई की कमेटी के माध्यम से जिस जिले को इधर करना उधर करना तहसील को मिलाना मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम करवा देंगे, कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अमुक लोग केवल राजनीति व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठ पर भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहे हैं, मैं आपको निवेदन करूंगा इस मीडिया के माध्यम से, आप इसी के माध्यम से आप कतई चिंता नहीं करें, आप विधिवत तरीके से कमेटी के अंदर रखें, हम उसका सही न्याय करेंगे। यही बात कहते हुए मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नए जिले का समर्पण आज से हुआ, लोगों को अच्छा न्याय मिलेगा। और एक बार और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार आगे रिपीट हो, उसके लिए सारे द्वार खुले रख करके सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से नए जिले भी होंगे और तहसीलें बढ़ेंगी और उपखंड बढ़ेंगे। जितना न्याय आने वाले समय में परिसीमन होगा लोकसभा विधानसभा, हमारे एमएलए भी बढ़ेंगे, हमारे एमएलसी भी आएंगे, हमारे सांसद भी बढ़ेंगे, हमारे नए जिला प्रमुख बढ़ेंगे, कब बढ़ पाएंगे, जब रेवेन्यू इकाइयों का पुनर्गठन होगा, जब रेवेन्यू इकाइयों का विकेंद्रीकरण होगा। और वो काम अशोक गहलोत जी ने किया, इसलिए राजनीति में ऐसे आदमी को जिंदा रखने का हमारा धर्म बनता है। तमाम भाइयों से आह्वान करूंगा आप ऐसे धर्म प्रदर्शन को छोड़कर सहयोग करें, हम सब मिलकर राजस्थान का नया इतिहास लिखेंगे। यही बात कहते हैं, बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
माननीय राजस्व मंत्री श्री रामराज जाट साहब, और हमारे बीच है नव जिला गठन समिति के अध्यक्ष श्री राम लोभाया जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, आप अपना संबोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदया, अतिरिक्त सचिव राजस्व, माननीय विधायक महोदय, अपरिषद सज्जनों एवं देवी, सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे समिति का अध्यक्ष बनाया, जो एक बहुत ही चुनौती भरा काम था। मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा कि ऐसे निर्णय करना या ऐसी सिफारिशें करना बहुत ही एक कठिन कार्य था। हमारे पास 60 जगह की मांग हमारे सामने थी और उसके बाद भी मांग आती गई, अनेकों डेपुटेशन हमारे पास आए, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है राजस्थान के लिए कि आज आज़ादी के बाद 73 साल बाद भी हमारी तहसीलें सब डिविजन्स कई 200 किलोमीटर दूर हैं जिला मुख्यालयों से, वहाँ के लोगों का समाधान कैसे हो, कैसे समीकरण बनाए जाए तहसीलों के सब डिविजन्स के, और इसमें कई मापदंड हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं जब एक जिले का गठन होता है, तो उसको देखते हुए हमने काफ़ी प्रयास किए कि अधिक से अधिक जो वाजिब मांगे हैं उनका विचार करें। तो हमने अभी तक 37 के करीब मांगों का जो परीक्षण करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे, और आज मुझे कहते हुए ये कोई ये किसी प्रकार की परेशानी नहीं है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उन्होंने पहले ही कहा कि 19 जिले, ये तो बहुत लंबा काम है, मैं उन्होंने कहा ठीक है मैं रिपोर्ट करूंगा। और ये सुनने के बाद हमें भी तो आशा नहीं थी कमेटी में कभी भी कि वो 19 से 19 जिलों की घोषणा करेंगे। इससे मैं खुद हैरान था, मैं बाहर था उस समय, मुल्क से बाहर था, मुझे किसी ने बताया, मुझे खुद ये यकीन नहीं आया कि इतना बड़ा फैसला कोई सरकार इतनी जल्दी कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यही कहें राजस्थान के निवासियों के लिए, मेरे ख्याल में इससे सुनहरी मौका नहीं आ सकता। ठीक है, कुछ दिनों से अभी कई तरह की परेशानियां आ रही हैं लोगों के, कई जगह पे रोष भी है कि हमारा जिला नहीं बना, लेकिन सरकार ने ऑप्शन खुला रखा है। अभी हमारे सामने मांगे पड़ी हैं उनकी, उनको सुनेंगे, उनकी जो वाजिब मांगे हैं उन पर कमेटी निश्चित रूप से विचार करेगी, और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को सरकार का जो नीतियाँ हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, उनको नज़दीक, उनको प्राप्त हों और उनको मिलें। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी नया जो मांगे हैं उन पर हम विचार करें, और हम सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे और ये माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं, पुनः आभार प्रकट करता हूँ सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मुझे इस एक बड़े मिशन में शामिल करके उन्होंने ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम लोभाया जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने के लिए एक के बाद एक सपनों को आकार दे रही है, और आज का ये दिन स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। ईश्वर करे दुनिया के किसी जलजले के सामने ये सिलसिला कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं। हमारे पीछे मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना संबोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्य सचिव महोदय, आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय
मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के समस्त नवीन जिलों से जुड़े हुए माननीय मंत्रीगण, मंच पर सभी माननीय मंत्रीगण सदस्य, सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, धर्म गुरुजन, सभी अधिकारीगण, नवीन जिलों से बड़ी संख्या में जुड़े हुए निवासी और मीडिया बंधु, जन भावना का हुआ सम्मान। 50 दिनों का हुआ राजस्थान बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और मैं आपकी ओर से और सभी की ओर से माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मुख्य सचिव होने के नाते मैं यहाँ कुछ अपनी भावना से भी भावनाओं से भी अवगत कराना चाहूंगी। हर मुख्य सचिव का एक सपना होता है कि वो इस तरह के पलों का, जो ऐतिहासिक पल होते हैं, उसका हिस्सा बने। और आज मैं मुख्य सचिव के पद पर इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनी, मुझे इस बात की बेहद बेहद खुशी है। जब से मैंने पद ग्रहण किया है, तब से एक जब भी मैं किसी परिवादी से मिलती थी और वो जब ये कहते थे कि उनको दिल्ली में जाने में वक्त लगता है या अंतिम छोर तक जिस तरह से सक्रिय तरीके से मॉनिटरिंग करके या दौरा करके जिस तरह से लाभ लेने चाहिए, भरपूर कोशिशों के बाद भी कभी कभी कुछ कमियां रह जाती थी और माननीय मंत्री महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में जो जिलों का घोषणा की, उससे जो एक गुड गवर्नेंस मॉडल राजस्थान का है, उसमें इन नए जिलों की स्थापना से उनमें बहुत बहुत इजाफा होगा गुड गवर्नेंस में। और राजस्थान आज भी ज्यादा से ज्यादा योजनाओं में अव्वल नंबर पे या पहले 3 नंबर में है, अब सभी योजनाओं में अव्वल रहेगा। इन नव जिलों से हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे, जिलों की स्थापना से उन जिलों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ग्रोथ, नए हॉस्पिटल, नए कॉलेज, नए पुलिस स्टेशन, नए न्यायालय, सब जो है इनका गठन होगा। आप समझ सकते हैं कि इन सब के गठन से किस तरह से वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, किस तरह से रोजगार के अवसर और सृजन होंगे। इसकी सूची बहुत लंबी है, तो मैं बहुत ब्रीफ में ही आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस पद पे समझ सकती हूँ कि अब इन जिलों की स्थापना के बाद, गठन के बाद, आज से जिला कलेक्टर, एसपी जो अब तक ओएसडी थे, जिन्होंने वहाँ जाके उन जिलों को, नए जिलों को समझा, वहाँ की परेशानियाँ तकलीफ समझी, अब आज से जब वो जिला कलेक्टर और एसपी अपने पद को एज जिला कलेक्टर एसपी संभालेंगे, तो उनकी और उनकी टीम सक्रिय होके सभी योजनाएं, और राजस्थान में जिस तरह की योजनाएं आपने महंगाई राहत कैंप में देखी, वो अपने आप में देश में मॉडल बन के उभरा है। और सभी व्यक्तियों को इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इसमें जो है लाभ मिले हैं। और जो हमने डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में समय समय पर जो है डायरेक्ट लाभ से लाभार्थियों किस तरह से लाभ दिए गए हैं, आप सब उनसे परिचित हैं, चाहे वो गैस सब्सिडी था, पेंशन थी, चिरंजीवी था, पालनहार था, सूची इतनी लंबी है कि शायद 1 से 2 घंटे भी योजनाओं के विवरण देने में शायद कम हो जाएंगे, कम पड़ेंगे। तो आज मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, राजस्व मंत्री महोदय को, पूरी टीम को, आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और आज ये स्वर्ण अवसर है और इस नए रेजोल्यूशन के साथ की ये जो ऐतिहासिक पल है और जो हमें इसमें सौगात मिली है, इसमें हम पार्टिसिपेट करके नई ऊर्जा से, नए कॉन्फिडेंस के साथ हम बेहतरीन, सबसे बेहतरीन मॉडल राजस्थान का गवर्नेंस पे बनाए,
हम इसी आशा के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो आपका सपना है और जिस उद्देश्य से आपने बजट घोषणा की, जिसकी क्रियान्वित आज पूरी तरह से हो गई है, उसमें हम आपकी अपेक्षाओं में खड़े उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी। समृद्ध विकसित भारत, एक स्वप्न जो तैरता था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आंखों में, ख्वाब जिसे लेकर बढ़े थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और संपन्न समृद्ध राजस्थान, एक स्वप्न जिसे पूरा करने में आज भी जुटा है माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के साथ प्रदेश का नेतृत्व। हमारे सभी माननीय मंत्रीगण अपने अपने प्रभारी जिलों में मौजूद हैं आज इस जिलों के स्थापना दिवस के समारोह में। राजस्थान सरकार के प्रमुख सरोकारों पर इस पथ पर कदम दर कदम आगे बढ़ती प्रदेश सरकार, और जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार था। सचमुच हमारा राजस्थान स्वर्णिम राजस्थान, आइए करते हैं उन क्षणों में सहभागी बनते हैं हम सब। मैं कहना चाहूंगी कि कल मिले ना मिले लोग गवाही के लिए, कल आपके हाथ उठे ना उठे वाह वाही के लिए, आज के दिन को बनाने यादगार इतना कि कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आपके सभी सरकार के माननीय मंत्रीगणों का और आपके सभी विधायकगणों का और प्रशासनिक अधिकारीगणों का जो शामिल थे इस मुहिम में। जनभावना का हुआ सम्मान, 50 जिलों का हुआ राजस्थान, नवीन गठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम जिसमें मौजूद हैं आप सब हम सब। जनभावना के सम्मान के साथ हम आपको बता दें भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के साथ राजस्थान में प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। बड़े जिले बड़े संभाग होने के कारण सर्विस डिलीवरी मुश्किल होती थी और आम जन को भी जिला मुख्यालय तक जाने में बहुत अधिक समय लगता था। अब नए जिलों नए संभागों के बनने के समय और संसाधनों में बचत होगी और काम की नई रफ्तार आएगी और नए अवसर पैदा होंगे। आज सभी नवसृजित जिलों का स्थापना दिवस विधि विधान से हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मौके पर बहुत सारी बधाई दी है। जनभावना का हुआ सम्मान, 50 जिलों का हुआ राजस्थान, और उनमें शामिल होंगे अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाला, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तेजारा, नीलकथाना, फलौदी, सलूम्बर, साचौर और शाहपुरा, और इसके साथ ही 3 नए संभागों की सौगात इस राजस्थान को, सीकर, बांसवाड़ा और पाली। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम संभाग, सबसे पहले सीकर संभाग और इसके बाद पाली, पाली संभाग, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा संभाग। और आइए अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिमोट का बटन दबाकर नव निर्मित जिलों का शिला पट्टिकाओं का अनावरण। सबसे पहले अनूपगढ़, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए और यादगार बनाइए क्षणों को। अनूपगढ़ मान्य से पुनः अनुरोध, बालोतरा माननी से पुनः अनुरोध, ब्यावर डीडवाना कुचामन, इसके बाद ब्यावर जी जी डीडवाना कुचामन और इसके बाद दी
ये खाली जिला और ये तालियों की लगातार गूंजते रहना चाहिए इस ऐतिहासिक क्षणों में। ये है दूदू आपका उत्साह और उल्लास देखते ही बनता है। ये केकड़ी कैंपर कैंपर तेजार और अब कोटपुतली बहनों नगर में जिला नी का थाना और फलौदी सलूबर बांधा दिखाया सलूक को जिला बताया सांचोर और ये है शाहपुरा। एक बार फिर जोरदार तालियों से बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और नव निर्मित जिलों की हम आपको बता दें ये जितने भी जिलों का आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से जो पट्टिकाओं का अनावरण किया है सचमुच जब इन ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा यह अनावरण होगा तो राजस्थान ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। और अब इन नवनिर्मित जिलों की वेबसाइट हमने बनाई है हमारी आईटी टीम से अनुरोध करना चाहेंगे माननीय के कर कमलों से इस वेबसाइट को बटन दबाकर लोकार्पण करवाएं। माननीय के कर कमलों से ये नवनिर्मित जिलों की वेबसाइट और आप सब स्क्रीन पर देख पाएंगे ये नई जिलों की वेबसाइट। और जब आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो इसमें आपको सारी जानकारी उस जिले के बारे में उसके क्षेत्रफल के बारे में उसकी जनसंख्या के बारे में कहाँ कैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी वो सारी जानकारी इन वेबसाइट पर आप देख पाएंगे। ये है हमारे नवनिर्मित 17 जिलों की वेबसाइट अलूगढ़ बालोतरा ब्यावर डी डीदवाना कुचामन दूदू गंगापुर सिटी जयपुर ग्रामीण केकड़ी जोधपुर ग्रामीण कोटपुतली बहरोड खैरथल तेजारा नीम का थाना फलौदी सलूबर सांचौर और शाहपुरा। ये वेबसाइट हम देख रहे हैं स्क्रीन पर जो कि आने वाले समय में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी हम सब के लिए। और हम आपको बता दें सभी जिलों में आज हवन पूजा यज्ञ किया गया। प्रदेश की
सुख शांति और खुशहाली की कामना को लिए हुए और सभी जिलों में हमारे प्रभारी मंत्री उनके साथ प्रशासनिक अधिकारीगण और वहाँ की आवाम जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। और आज बिल्ड ऑडिटोरियम में ये राज्य स्तरीय समारोह नवनिर्मित जिलों के स्थापना समारोह का ये मुख्य आयोजन। और बेशक हम सबको राजस्थान पर गर्व है, स्वर्णिम राजस्थान हमारा राजस्थान, और हमारे इस राजस्थान का गौरव, राजस्थान का अभिमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत, क्योंकि किसी भी प्रदेश की पहचान सिर्फ उसके नक्शे पर उतरी हुई रेखाकृतियों से नहीं की जाती। जो मानचित्र आज हमने देखे हैं नवनिर्मित जिलों के और राजस्थान का मानचित्र, बल्कि उसकी असल पहचान होती है उसके पुरुषार्थ से, उसकी उपलब्धियों से। और राजस्थान को शिखर की उपलब्धियों को जब हम देखते हैं, इन उपलब्धियों के साथ जब मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं, आवाम के लिए मौजूदा नेतृत्व की संवेदनशीलता को देखते हैं, तो अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं। सचमुच हमें गर्व है, हमें अभिमान है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन अपना